शरद पवार के बयान पर संजय राउत का भी बयान सामने आया है। शरद पवार के बयान को एमवीएम में फूट के रूप में ना देखें। महाविकास अघाड़ी की बात दरअसल में वो कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि अडानी के मुद्दे पर जांच ना हो, जेपीसी में बीजेपी का चेयरमैन होगा इसलिए फायदा नहीं होगा, ये संजय राउत की तरफ से कहा गया कि दरअसल में ये कहना चाहते हैं शरद पवार। विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है लेकिन जेपीसी से कोई मतलब साध्य नहीं होगा। जेपीसी का चेयरमैन बीजेपी का होता है, जेपीसी के जो मेंबर्स होते हैं वो कमेटी के, उसमें बहुमत बीजेपी का होता है, तो जो उनको चाहिए वही रिपोर्ट वो बना देंगे। एक पर्याय दिया है, एक विकल्प है।